नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है जो कि स्वास्थ्य के नज़रिए से अपना एक विशेष स्थान लगती है। जी हाँ दोस्तों, कई बार होता क्या है कि कमजोरी के कारण शरीर बीमारियों का शिकार होने लगता है। ऐसे में अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरतकर आयुर्वेदिक तरीकों को अपनाएं तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहने लगता है। दोस्तों, त्रिफला भी एक ऐसी ही आयुर्वेदिक औषधि है। जी हाँ दोस्तों, जो सिर्फ शरीर का कायाकल्प कर देती है, इसके नियमित सेवन से बहुत ही ज़्यादा शरीर को फायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा पसंदीदा दवाई है त्रिफला। इसकी मदद से किसी भी रोग के लिए दोस्तों दवाइयाँ बनाई जा सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेदिक दवाओं की जो किताब है चरक संहिता, उसके सबसे पहले अध्याय में ही त्रिफला के बारे में बताया गया है। यह त्रिफला आंवला, बहेड़ा, हरड़ का मिश्रण होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि किस प्रकार यह त्रिफला हमारे शरीर के लिए होता है लाजवाब फ़ायदों से भरपूर। दोस्तों, अगर पेट या शरीर के में कीड़े पैदा हो गए हों तो त्रिफला खाने से काफ़ी राहत मिलती है। यदि शरीर में रिंग वर्म या फिर टेप वर्म हो जाते हैं तो भी त्रिफला काफ़ी कारगर है। त्रिफला शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ावा देता है जो किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने में सक्षम होता है। इसके अलावा दोस्तों, त्रिफला सांस से रिलेटेड रोगों में भी काफ़ी लाभदायक होता है। इसके सेवन से सांस लेने में होने वाली असुविधा दूर हो जाती है। एक रिसर्च में यह पाया गया कि त्रिफला से कैंसर का इलाज मुमकिन है। इसमें एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं। इसकी मदद से शरीर की कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोका जा सकता है। यदि किसी को भी सिरदर्द की समस्या बनी रहती है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेकर त्रिफला का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। त्रिफला सिर दर्द को कम करने में काफ़ी मददगार होती है। सिर दर्द मेटाबॉलिक गड़बड़ी के कारण होता है। इसके सेवन से दोस्तों यह समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। दोस्तों, डायबिटीज़ के उपचार में त्रिफला बहुत असरदार मानी जाती है। यह पेनक्रियास को उत्तेजित करता है जिससे इंसुलिन पैदा होता है। शरीर में इंसुलिन की मात्रा शुगर के लेवल को सही बनाए रखती है। इसका स्वाद बेहद कड़वा होता है। और दोस्तों, बात करें अगर पाचन समस्याओं की तो पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करने में त्रिफला काफ़ी सबसे कारगर औषधि मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आँच से लेकर जुड़ी हुई समस्याएँ भी त्रिफला खाने से काफ़ी हद तक उससे राहत मिल जाती है। इसके सेवन से आंतों से पित्त रस निकलता है जो पेट को उत्तेजित करता है और अपच की समस्या को दूर करता है। दोस्तों, शरीर में जीआई ट्रैक्ट के पीएच लेवल को भी त्रिफला बनाए रखता है। इसके अलावा खून की कमी अगर शरीर में हो जाए तो एनीमिया रोग होता है। इस रोग में शरीर पीला पड़ जाता है, रोगी को चक्कर आते हैं। यह हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर त्रिफला का सेवन करना लाभकारी माना जाता है। यह शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ावा देता है जिससे एनीमिया की बीमारी दूर होती है। जिन लोगों को कम उम्र में मोटापा परेशान करता है उनके लिए भी त्रिफला से बेहतर कोई दवा नहीं होती है। इसके नियमित सेवन से फैट कम होता है। यह सीधे फैट को घटाने का वर्क करती है। किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होने पर त्रिफला मददगार होती है। यह बॉडी से जहरीले तत्वों को बाहर निकल देता है और खून को साफ करता है। दोस्तों, त्रिफला में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो सेल्स के मेटाबॉलिक को कंट्रोल में रखते हैं, साथ ही इनकी प्रक्रिया को बनाए रखते हैं। त्रिफला में लंबी उम्र तक बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, इसलिए इसके सेवन से उम्र कम दिखती है। यह शरीर की कई सेल्स को नियमित रूप से चलाने में काफ़ी मददगार होते हैं। आयुर्वेद में त्रिफला कायाकल्प करने वाली एक दवा के रूप में जानी जाती है। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और त्रिफला शरीर में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को बढ़ावा देती है जो शरीर में एंटीजेन के खिलाफ लड़ते हैं और बॉडी को बैक्टीरिया फ्री रखते हैं। यह शरीर की टी कोशिकाओं को भी बढ़ावा देता है जो शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार त्रिफला हमारी सेहत के लिए होता है लाजवाब फ़ायदों से भरपूर। तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की जानकारी आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।